हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई दिन से कई लोग बोले सर टेक्ला का वीडियो स्टार्ट करो, टेक्ला का वीडियो स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा क्यों ना टेक्ला की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, टेक्ला आज से मैंने स्टार्ट किया है। मैं वीकली एक एक टेक्ला के ट्यूटोरियल आपको देता जाऊँगा। लेकिन अगर आपको ढेर सारे टेक्ला के वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यार इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्टेटस लगा के रखो यार। क्योंकि जब टेक्ला में व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो फिर हम लोग थोड़े से मोटिवेट नहीं होते और हमारा मन नहीं करता आगे टेक्ला में वीडियोस बनाने के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो मुझे उतना रिस्पांस नहीं आया जितना मुझे 10 टॉपिक पे आप लोग रिस्पांस करते हो। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे कि रिस्पॉन्स मुझे मिल सके और मैं भी मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूँ इसके अंदर। दोस्तों, आज मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ। सेट तो सेट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ग्रिड एडिट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके लिए जस्ट क्लिक हियर। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, टेक्ला थोड़ा सा टाइम टेकन सॉफ्टवेयर है, तो मतलब थोड़ा सा वेट करिएगा आप। कोई भी काम बहुत स्लो स्लो करता है क्योंकि सिस्टम इसको बहुत हाई कन्फिग्रेशन का चाहिए। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछता है यहाँ पे कि अब देखिए 2019 है तो थोड़ा सा अच्छा और नया वर्जन है इसमें, जब आपको इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है कि हम लोगों को लेंथ कितना चाहिए, वेथ कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 2 × 6000 लिखा हुआ, मतलब 6 मीटर। अगर मैंने इसको यहाँ पे 4 कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया 8 और फिर यहाँ पे भी हमने कर दिया 6। देखिए वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में मुझे 6 चाहिए और यहाँ पर हमने कर दिया 3। और इसकी हाइट, अब ये सेट बनाना चाह रहा हूँ तो सेट की मिनिमम हाइट जो होगी वो 4 मीटर होगी, या तो 5 मीटर भी रख सकते हैं। और उसके बाद एक मीडियल हाइट होगा उसका 60, एक जीरो हटा के 65 कर दीजिए। और उसके बाद एक होगा 75। अब यहाँ पे आपके पास कितने 8 है, 8 मतलब ABCD 9 नंबर होने चाहिए, EFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। इसके बाद 1 2 3, यहाँ पे देखिए 6 हैं तो 7 नंबर चाहिए, 3 4 5 6 7। और यहाँ पे ये जो नंबर है इनको एडिशन कर दीजिए, प्लस ओके। ये जो होता है ये लाइन एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, लाइन एक्सटेंशन मींस फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस, फ्रॉम हियर टू डिस्टेंस। ये लाइन एक्सटेंशन अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है मुझे वैसे इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको मॉडिफाई कर देंगे। जैसे मॉडिफाई किया तो एक ढेर सारी ग्रिड्स आ गई हमारे पास। अब इस ग्रिड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर होता है स्टील सेक्शन, यहाँ होता है कंक्रीट सेक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंक्रीट सॉरी स्टील सेक्शन लिया और स्टील का कॉलम लेके मैंने यहाँ पर रख दिया, क्लिक किया और जैसे क्लिक करके एक्सपेंड किया तुरंत स्टील का कॉलम यहाँ पे आ गया। ये देखिए स्टील का कॉलम आ गया। अब आपको कॉलम पसंद नहीं आया, कॉलम का साइज पसंद नहीं आया तो इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कॉलम होता है, कॉलम का साइज होता है, इस पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको कॉलम का साइज चाहिए, तो अभी जैसे कॉलम है तो मैंने इसको लिया 600, और 600 लेने के बाद अभी इसको मैं इधर कर क्लिक कर दूँगा जिससे मुझे क्लिक करने में आसानी रहे। 600 क्लिक करिए और 600 क्लिक करके अप्लाई ओके। ठीक है, तो ये देखिए अप्लाई हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। साथ ही अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये पोजिशन इसका ये मिडिल है, अगर आपने इसको डाउन कर दिया तो डाउन हो जाएगा। अब इसको अगर आपने यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे विलो कर दिया तो देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करके देखते रहना पड़ेगा कि हम लोग कैसा चाहिए। तो मुझे ऐसा ही सेक्शन चाहिए था क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक सेक्शन लगाना है। ठीक है, अब इसका हाइट देख लो, अगर इसका हाइट कितना है वैसे 5000 है तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहला 5000 ही चाहिए था। अगर चेंज करना है इसका हाइट तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे पोजिशन चेंज करने के लिए रहेगा, वहाँ पर पोजिशन आप चाहिए देखिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे नीचे अभी मिडिल में 0 यहाँ चाहिए तो मैं 0 करके अप्लाई कर दिया, डन। अब ऐसा ही एक सेक्शन मुझे उधर चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करके
इधर क्लिक कर दिया यार। टेक्ला पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, टेक्ला पढ़ने के लिए आपको स्टील स्ट्रक्चर का भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही स्टील स्ट्रक्चर भी आपके लिए जो ज़रूरी है इस डाटा के लिए उतना मैं आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि पूरा तो पॉसिबल नहीं होगा, बट कुछ स्टील के सेक्शन भी मैं पढ़ाऊँगा। उसके लिए बस आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यार इसको शेयर करो जिससे मैं मोटिवेट होकर आपको ढेर सारे वीडियोज़ दे सकूँ। एक मिडिल में लगा दिया, नहीं तो बेंडिंग्स आ जाती है इसके अंदर। तो जरूरी नहीं कि मिडिल में लगाओ ही, बट अगर आपको लगता है कि स्पैन हमारा बहुत बड़ा हो गया तो लगा देना चाहिए हमको। और इसको थोड़ा छोटा भी लगाओगे तो चलेगा। तो यहाँ पे जाके हमने क्या किया, इसके मटेरियल को, सॉरी मैंने गलत ऑप्शन ले लिया क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, प्रोफाइल आपको हल्का प्रोफाइल रख देना है इसका, अप्लाई, ओके। बस हमने एक सहारे के लिए रख दिया उसको, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इधर से इसको यहाँ से रख दिया। अब इसके हम लोग फ्रंट व्यू में जाएंगे, तो इसके लिए सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, क्रिएट व्यू एलॉन्ग ग्रिड लाइंस, सेलेक्ट, राइट क्लिक, एलॉन्ग व्यू ट्रेंड्स, और इसके बाद यहाँ पे जाके क्रिएट। अब यहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि हम कौन से सेक्शन से हमको अच्छे से दिख रहा है, जैसे कि एक बार आप आई से देख सकते हो, यहाँ पे गए आई पे, तो हमको देखो ऐसा दिख रहा है सेक्शन, ऐसा दिख रहा है, ये देखो हमारा काम हो जाएगा ना, क्योंकि हमको ऐसे जाना है और यहाँ पे जाना है और यहाँ से यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो अगर हमारा काम हो जाएगा तो चलो देखते हैं लगा के इस पे आई सेक्शन। और इसके बाद यहाँ पे जाओ आप बीम्स पे, ठीक है। अब बीम में भी अब डिपेंड करता है आप कैसी बीम लेना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर्व बीम लेने के मोड में हूँ तो मैं कर्व बीम लूंगा, और कर्व बीम लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ क्लिक करूंगा, और फिर एक मिनट, इसका मिडिल कौन सा है, हाँ मुझे यहाँ क्लिक करना था एक्चुअली, जिससे कि मैं इजिली पहुँच जाऊँ, तो कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए यहाँ पर कर्व बीम, और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट या मिड पर दिया हमने, और उसके बाद ये पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से हमने दे दिया। अभी इसमें और बेंडिंग चाहिए तो आप कर सकते हो बेंडिंग, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, इस पर डबल क्लिक करो आप, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैम्बरिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आप कैम्बर कर सकते हो जितना आप इसको चाहो। ये देखिए यहाँ पे कैम्बरिंग है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमको 1000 का कैम्बरिंग लग रहा है, अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 का कैम्बरिंग लिया, और ये लेने के बाद अप्लाई कर दिया, और देखो 1000 ज़्यादा हो गया। तो अब देखो ऐसे आपको इसके साथ गेम खेलना पड़ेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा कैसा कैम्बरिंग अच्छा रहेगा आपके लिए। यस, मुझे ऐसा चाहिए था सेक्शन, ठीक है, एक कैम्बरिंग ले लिया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करो यार, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब मिरर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन भी है बट डायरेक्ट आप यहाँ से भी जा सकते हो, कॉपी स्पेशल, यहाँ पे जाके मिरर, और मिरर पे जाके आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, और फर्स्ट पॉइंट देने के बाद सेकेंड पॉइंट देना है। तो जैसे दोगे और इसको कॉपी करोगे, ये देखो आपके पास मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर लगता है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो इसको यहाँ से क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ऐसे लगा दो, और लगता है कि नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें सपोर्ट ही देना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपका काम हो गया, तो आप इसको 3D व्यू में जाके देख सकते हो, 3D व्यू, और ये देखो 3D व्यू में ऐसा आपको दिख रहा है, परफेक्ट आया है सेक्शन, ठीक है। अब स्टील सेक्शन इसके थोड़े से पतले वाले हैं, अगर आपको चेंज करना लगता है कि चेंज करना चाहिए हमको तो डबल क्लिक करो यहाँ पे, सॉरी सिंगल क्लिक यार, और यहाँ पे क्लिक करके आप सेक्शन चेंज कर दो। ISMB में ही ज़्यादा यूज़ करो, और ISHB सबसे अच्छा स्टील होता है, तो मैंने इसे 500 लिया, अप्लाई, ओके। और इधर से ही मैंने, चलो इसको मॉडिफाई कर दो, और फिर मैंने इस साइड का भी स्टील चेंज कर दिया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने भी इधर भी सेम रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हम सेम रखेंगे तो इसको स्टील शायद सेम नहीं रहा, सेम रखेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग जाके, अगर हमको स्टैट प्रो में चेक करना हुआ तो स्टैट प्रो में इस मेंबर को चेक कर सकते हो कि ये मेंबर पास करेगा कि फेल करेगा। मैंने बताया है स्टैट प्रो में एक वेयर हाउस बताया था, चलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी स्टैट प्रो पे भी इसको चेक करके दिखा दूंगा आपको, ये फेल कर रहा है कि पास कर रहा है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हंजेस लगते हैं, हंजेस वो क्या होता है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपके पास संजेस होता है, तो मुझे तो नंबर याद हो गया है 102
टू, क्योंकि हमें दिन भर यूज करना होता था, हम लोगों को याद हो गया। तब देखिए यहाँ पे इवेंस हैज होता है, हंस क्या करता है, इसको ज्वाइंट करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे और फिर इसके बाद इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वो तुरंत हंस लगाएगा। थोड़ा सा वेट करना क्योंकि वो रीड करता है, रीड करके देखिए आप लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे कैप लगाता है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कैप लगाया, तो कैप क्या होता है कि अगर कैप लगाया यहाँ पे इसने ग्रीन कलर का, तो ये एकदम सेफ है। अगर इसने कैप लगाया यहाँ पे येलो कलर का, तो ये मीडियम सेफ है, और रेड कलर लगाया तो ये नहीं चल सकता यहाँ पे। और देखिए यहाँ तो इस तरीके से है लगाया है। अब इसके पोजीशंस को चेंज करके देखिए, देखिए क्या उसको ग्रीन कर रहा पा रहा है क्या। इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर ऐसे डबल क्लिक करिए, और यहाँ पे इसके पोजीशन से आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पोजीशन जैसे मैंने फ्रंट किया, देखो क्या कर रहा है वो, क्या सही से हंजस लगा रहा है। हाँ लगा तो सही रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या करिए, इसकी पोजीशन को भी चेंज करने की कोशिश करिए। देखिए क्लिक किया हमने, क्या ये पोजीशन ठीक रहेगी क्या। देखिए यहाँ पे रेड आ गया कि नहीं, देखिए रेड आ गया, मतलब ये पोजीशन नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से सॉफ्ट, इसके साथ ये फायदा है कि आपको ये डेंजर जोन भी बताता जाएगा। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ही कर सकते हैं इसमें, शायद फ्रंट नहीं, टॉप मॉडिफाई, हाँ केवल टॉप ही कर सकते हैं। और इसके बाद प्लेन इसका चेंज करके देख लो, यहाँ पे जाके फ्रंट करो, मॉडिफाई नो, और इसके बाद इसका बिहाइंड करो और मॉडिफाई नो। इसे पहले वाला ही सबसे बेस्ट था। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर आपका आ जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर ग्रीन नहीं आ रहा है तो आप इसको इतने पे ही रख सकते हो। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके नट बोल्ट के साथ गेम खेलूँगा, तो धीरे धीरे इसका ये जोन खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ पर हमने फिक्स लगा दिया अपना, ठीक है, और इधर भी लगा, चलो पहले इसको क्या करते हैं, इधर भी लगा देते हैं, इधर भी हम लोग 102 हंजिस लगेंगे। तो हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखो लगा दिया इसने। अब इसको तुमको कितना अच्छा बनाना है, उसके लिए इस पर क्या करो, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे तो इसकी डिटेलिंग आ जाएगी, जो हंजिस जोड़े हैं आपने इसके डिटेलिंग्स आ जाएंगे। तो इसके डिटेलिंग में जब जाओगे तो यहाँ पे जाओ, ये देखिए जैसे इसका पिक्चर दिख रहा है वैसा ही आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसा कि सेम टू सेम। इसके पार्ट्स पे जाओ, और जैसे कि मैं पार्ट्स पे जाके देखा इसमें, तो अभी मैं इसमें चेंज करूंगा कैप, कैप प्लेट मेरा थोड़ा बाहर निकला है, तो मैं चाहता हूँ इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके पैरामीटर्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं, बोर्ड के साइज में चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जाके हम लोग कर देंगे बोर्ड का साइज 20 mm, ठीक है। थ्रेड मेट भी हमने कर दिया, यस। और उसके बाद जैसे इसको क्लिक करके हमने मॉडिफाई किया, तो देखो चेंजिंग्स आ गई, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको क्लिक कर देंगे ओके। तो सेम टू सेम हमको चेंजिंग्स यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करके जहाँ पे आप जाइए आपके पास बोल्ट मिलेगा, तो बोल्ट पे जाइए, कहाँ गया बोल्ट, ये बोल्ट पे जाइएगा। बोल्ट पे जाके यहाँ पे 20 mm, और यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और ये बोल्ट स्टैंडर्ड ISH, यहाँ पे एच सी लिखा होगा कहीं पे, ये देखिए ये HSFG, बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा बोल्ट ये होता है। तो हमको इसको लगा लेंगे, और इसको लगा के हम ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए ये है, तो आपको ये देखना है कि मुझे ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का साइज हमको थोड़ा कम करना है, तो इसका साइज कर दो 5, और फिर मॉडिफाई कर देखो क्या पॉसिबिलिटीज है क्या। अगर पॉसिबल होगा तो कम करेगा, नहीं पॉसिबल होगा तो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से ही रखेगा उसको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे होता है 106 नंबर का हंजिस, हंजिस ही लगता है, इन दोनों को कंबाइन करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 106, देखिए 106, और यहाँ पे देखिए ये मेंबर जोड़ेगा एक दूसरे को, ये लिया और ये लिया। अब यहाँ पे भी वही सेम बात होती है, अब देखिए सबसे बेस्ट लगा है यहाँ पे, ये होता है ग्रीन कैप। ग्रीन कैप कोशिश करना चाहिए लग जाए, क्योंकि ग्रीन कैप मतलब प्योर सेफ है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ पे बेस प्लेट्स आती हैं, क्या आती हैं, बेस प्लेट। तो बेस प्लेट के लिए क्या करना है, आपको यहाँ जाना है, और यहाँ पे जाके बेस प्लेट्स,
ये देखिए बेस प्लेट आया, और बेस प्लेट लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे देखिए बेस प्लेट आ गई है। देखिए इस तरीके से इसके नीचे पैड फुटिंग होती है, उसके ऊपर बेस प्लेट डालते हैं, और फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर इसके सेंटर पर क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे भी आ गया बेस प्लेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे येलो कैप है, मतलब ये बोल रहा है यार अगर थोड़ा सा इसका साइज वगैरह चेंज कर दो तो आपके लिए अच्छा होगा, तो मैं थोड़ी देर बाद कर भी सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आके हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए परफेक्ट लग गया यहाँ पे भी। तो इसको देखिए प्रॉपर पैरामीटर मिल जा रहा है, ये बोल रहा है हमको परफेक्ट है ये, ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा इस पर डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करने के बाद इनकी थोड़ी सी बोल्ट वगैरह के साइज को हम थोड़े से चेंज कर देंगे। जनरल एंकर ये हम गए यहाँ पे और इसको ले लिया हमने 20, मॉडिफाई ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये फाइनल हो जाए तो इसके बाद क्या करना है हमको, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इस मेंबर को सेलेक्ट करना है, इस मेंबर को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, कॉपी स्पेशल लीनियर, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट पॉइंट पे। देखिए अच्छे से पॉइंट पकड़िएगा जिससे आपको इजीली हो जाए सब कुछ, जाइए और यहाँ जाके यहाँ पर आ जाइए। देखिए परफेक्ट 4000 लिखा है, मतलब ये सही है, और शायद 8 सेक्शन है हमारे पास, तो 8 करके कॉपी कर दीजिए आप, ज़्यादा होंगे तो हम उनको डिलीट कर देंगे। ये देखिए हमने परफेक्ट सेट बना दिया, ठीक है, और सब कुछ परफेक्ट आ गया, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास सेट बन गया, आप क्या बचा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 12 बोल्ट्स आ रहे हैं, हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है री ड्रॉ व्यू, इस पर क्लिक कर देंगे तो प्रॉपर परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए परफेक्ट हो गए। अब अगर मुझे इस पर पर्लिंस लगानी है तो हम लोग इस पर पर्लिन लगा देंगे, और पर्लिन लगा के हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा, उसमें हम लोग पर्लिन लगाएंगे इसके ऊपर, और पर्लिन लगाने के साथ ही साथ इसकी डिटेलिंग देखेंगे कितना स्टील क्वांटिटी लगी, जिसको मल्टी रिपोर्ट जनरेटर बोलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इसका डेली वीडियो आए या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करना है। अगर इस पर एटलीस्ट 20 लाइक्स अगर आ गए तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट तुरंत लेके आऊँगा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत।